एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और आज मैं आ गई हूँ केया सेथ एरोमाथेरेपी के एक प्रोडक्ट के रिव्यू प्लस डेमो देने के लिए। केया सेथ एरोमाथेरेपी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के एक फेमस ब्रांड है। एरोमाथेरेपी बेस्ड प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और ये हमारे हेयर और स्किन के लिए एकदम भी हार्मफुल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट क्या है। आज का प्रोडक्ट है केया सेथ एरोमाथेरेपी एलोपेक्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल। एलोपेक्स के बहुत सारा वेरिएशन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये ऑयल है वो सारे ऑयल फ्री फॉर्मूलेशन में है, वाटर बेस्ड फॉर्मूलेशन में है। ये ऑयल फॉर्मूलेशन में है, लेकिन ये ऑयल फॉर्मूलेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि बालों को पूरा के पूरा चिपचिपा सा लुक दे देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूलेशन है ऑयल फॉर्मूलेशन, ये एकदम बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी के लिए सूटेबल है, हर एक हेयर टाइप के लिए, हर एक एज के लिए सूटेबल हेयर ऑयल है। तो चलिए फर्स्ट मैं बता देती हूँ इसका प्राइस। इसका प्राइस है बस 381 रुपीज पर 100 ml। हाँ, जानती हूँ ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है क्योंकि 100 ml ऑयल मिल जाएगी इससे बहुत सस्ते में। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और उसका बेनिफिट नहीं मिल रहे है तो उससे फ़ायदा क्या है। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो यूज़ करने से फ़ायदा मिलेगी। हाँ, बहुत सारा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगी। अभी ऐसे लाइफस्टाइल हमारे चेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि हेयर लॉन्ग है इसका मतलब ही हेयर हेल्दी है, ऐसा नहीं है। अगर आपके हेयर शॉर्ट है फिर भी अगर वॉल्यूम है और साथ ही साथ सॉफ्ट सिल्की शाइनी है तो उसका ही नाम है हेल्दी हेयर, अच्छा हेयर। ऐसा नहीं है कि हेयर लॉन्ग है इसका मतलब ही उसका हेयर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे हेयर है कर्ली, लेकिन कर्ल हेयर से भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मैनेजेबल है। मैनेजेबल होना चाहिए और साथ ही साथ सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूथ शाइन रहना चाहिए एक बालों के अंदर, तो ही रहेगी बाल हेल्दी। और ये ऑयल क्या काम करते हैं तो बताती हूँ। फर्स्ट मैं पैकेट को ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसका बोतल कैसा है। ये ऐसे एक रैपर के साथ आते हैं, देखिए इसको क्लोज करके ऐसे ही रखिए, यूज़ करने का टाइम ही ओपन कीजिए, यही सही है। ये प्लास्टिक का कंटेनर है और ब्लैक कलर का बोतल में आए है, ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल एलोपेक्स का एक अल्टीमेट वेरिएशन है क्योंकि एलोपेक्स के हर एक आए है, एलोपेक्स ऑयल को छोड़ के हर एक आए है वाटर बेस्ड फॉर्मूलेशन में, लेकिन ये आए है ऑयल बेस्ड फॉर्मूलेशन में। तो अभी बता देती हूँ कि इसका बेनिफिट। बेनिफिट नंबर वन, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो यूज़ कीजिए केया सेथ एरोमाथेरेपी एलोपेक्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल, क्योंकि हेयर ऑयल यूज़ करने से हेयर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी, शाइनी, सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ। हाँ, ये एकदम सच है क्योंकि हेयर ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है। हेयर को केयर करने का फर्स्ट स्टेप है हेयर ऑयलिंग, लेकिन अभी हम लोग हेयर ऑयलिंग पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि उससे आ जाते हैं पिंपल। लेकिन ये सेकंड बेनिफिट है, ये यूज़ करने से हेयर उतना ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं लगेगी और स्किन में पिंपल आने का 0% भी चांस नहीं है। और नंबर टू, अगर बालों पे आपका शाइन नहीं है, कैसा डल दिखता है, एकदम ड्राई हो गए हैं, तो आपके लिए भी अल्टीमेट सॉल्यूशन है केया सेथ एरोमाथेरेपी एलोपेक्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल। नंबर थ्री, अगर हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो ये ऑयल को हर डे यूज़ कीजिए। हाँ, हर डे यूज़ करने से इसका बेनिफिट बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये बोलने से आप लोग अभी वीडियो को बंद कर दोगे। नहीं, हर डे यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे इसका जो बेनिफिट है ना वो मिल जाएगी। डैंड्रफ का प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम वो पूरा के पूरा सॉल्व हो जाएगी। और ये ऑयल यूज़ करने से, डे बाय डे यूज़ करने से हेयर लॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग बनेगी। हाँ, इससे हेयर लॉन्ग होते हैं, ये भी सच है क्योंकि बहुत सारे ऑयल यूज़ करने से हेयर फॉल तो बंद हो जाते हैं लेकिन हेयर लॉन्ग नहीं होते हैं। और ये ऑयल डे बाय डे यूज़ करने से नए हेयर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि जो हेयर है, हेयर फॉल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नए हेयर आ रहे हैं वो जगह को फिलअप करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर झड़ रहे हैं, बस झड़ रहे हैं, तो पूरा के पूरा खाली हो जाएगी ना। पूरा अगर खाली हो गए हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। जिन लोगों के प्रॉब्लम पूरा खाली जैसा है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट सही नहीं है। जिन लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत हो रहे हैं, या फिर सामने से हल्का सा खाली हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये हेयर ऑयल सही है। अगर हेयर बहुत ही कम क्वांटिटी में है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम के लिए ये हेयर ऑयल बेस्ट है। लेकिन कोई कोई लोगों को ऐसे पूरा खाली हो जाते हैं, साथ ही साथ मांग के साइड से पूरा के पूरा खाली हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये हेयर ऑयल काम नहीं करेगी। मैं वो एकदम नहीं बोलूँगी, लेकिन हेयर झड़ते रहते हैं जैसे टॉवल पे, और जिस जगह पे भी जा रही हूँ बस हेयर ही हेयर, तो वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन है ये हेयर ऑयल। अगर हेयर हेल्दी रहेगी, लॉन्ग रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात बता दूँ, अगर एलोपेक्स लॉन्ग स्ट्रांग हेयर ऑयल बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो बच्चे का हेयर सच में इतना हेल्दी रहेगी ना कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। हेयर फॉल का प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि 2-3 बाल कोम करने के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब हेयर फॉल नहीं है। हेयर फॉल है जो जगह पे जा रहे हो, हेयर फॉल हेयर दिख रहे हैं, इसका नाम है हेयर फॉल। और ये ऑयल हर दिन यूज़ करने से पूरा के पूरा 90% तक हेयर फॉल का प्रॉब्लम पूरा के पूरा सॉल्व हो जाएगी। अभी तो कोई एज नहीं है, कोई भी एज में आ रहे हैं वाइट हेयर का प्रॉब्लम, तो अगर व्हाइट हेयर आ गए हैं तो आपके लिए ये हेयर ऑयल नहीं है। लेकिन अगर नहीं आए हैं फिर भी आप लोग केयर करना चाहते हो कि व्हाइट हेयर आए लेकिन टाइम होने पे, टाइम से आगे नहीं, तो ये हेयर ऑयल को हफ्ते में एक दिन ज़रूर यूज़ कीजिए, तो वो व्हाइट हेयर का जो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, वो नहीं आएगी। हेयर रहेगी ब्लैक और शाइनी, हेयर में शाइन रहेगी, हेयर में रहेगी एक वॉल्यूम। हेयर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कार्ली हो, स्ट्रेट हो, लेकिन रहेगी बहुत ही सुंदर, क्योंकि एक अल्टीमेट लुक क्रिएट करने के लिए हेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फेस को फिर भी मेकअप दे के थोड़ा बहुत कर सकती हूँ कुछ, लेकिन हेयर के लिए अगर हेयर नहीं रहेगी तो हेयर स्टाइल कैसे कर पाओगे? मेरे हिसाब से इस हेयर ऑयल को हफ्ते में 3 दिन यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है, ऑयलिंग पसंद नहीं करते हो, तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर अप्लाई करना। तो चलिए अभी इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एकदम नॉर्मल हेयर ऑयल जैसे हम लोग यूज़ करती हूँ, ऐसे ही नॉर्मली यूज़ करूँगी। चलिए यूज़ कर लेते हैं। हेयर ऑयलिंग से पहले मैं सजेस्ट करूँगी हेयर को कोम कर लीजिए और उसके बाद ही हेयर ऑयल लगाइए। तो उससे ऑयल लगाने के बाद जो बाल आ जाते हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी ऐसे। और ट्राई कीजिए वुडन कोम यूज़ करने का। मैं भी कई कबार भूल जाती हूँ या फिर ये नहीं मिलते हैं तो दूसरा कोम यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बेस्ट है वुडन कोम यूज़ करना। हाथों में इस ऑयल को ले लीजिए या फिर एक बोल में ले लीजिए। मैं हाथों में ही ले लेती हूँ और उसके बाद ही अप्लाई कर लेती हूँ। और इसका एरोमा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई कोई हेयर ऑयल का एरोमा इतना स्ट्रांग होते हैं कि यूज़ करने में प्रॉब्लम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होंगे। और देखिए चिपचिपा सा लुक नहीं है, एकदम भी नहीं है। और ऐसे हल्का हाथों से मसाज कर दीजिए पूरा के पूरा स्कैल्प पे, और पूरा के पूरा लेंथ पे अप्लाई कर लीजिए। स्प्लिट एंड्स का जो प्रॉब्लम रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम भी पूरा के पूरा सॉल्व हो जाएगी। अगर स्प्लिट एंड्स नहीं रहेगी, हेयर रहेगी स्ट्रांग, रूट रहेगी स्ट्रांग, तो हेयर तो लॉन्ग ऐसे ही हो जाएगी और हेयर फॉल का प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देख लीजिए पूरे स्कैल्प में हेयर को मैंने मसाज कर दिया और अभी लेंथ पे भी अप्लाई करूँगी। ऐसे हाथों में ले लीजिए और लेंथ पे अप्लाई कर दीजिए। हल्का हाथों से कीजिए।
देखिए उतना ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं है, मैं अप्लाई कर दिया उसके बाद ही दिखा रही हूँ। देख लीजिए पूरे हेयर पे मैंने अप्लाई कर दिया केया सेठ एरोमाथेरेपी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल, एलोपेक्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल, और बाल मेरी हो गए हैं पूरा के पूरा मैनेजेबल। देखिए तो यही रही मेरी आज की केया सेठ एरोमाथेरेपी एलोपेक्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर ऑयल का रिव्यू प्लस डेमो। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।